മൊത്തം ആർമി വണ്ടികൾ കേട്ടോ, ഫുൾ ക്രോസിങ്, പിന്നെ ലോറികൾ, പിന്നെ നമ്മുടെ ദേശീയ നൊമാഡിക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഫുൾ വണ്ടികൾ കേട്ടോ ഇവിടെ. So I'm doing cycling now. Hello guys, कैसे हैं आप लोग? Welcome back to my channel and thank you so much for supporting this All India Solo Ride. आज हम जा रहे हैं कटरा से श्रीनगर के लिए. आप देख सकते हैं हमारे आगे ट्रैवल ब्लॉग by राहुलन, अपनी बाइक लेके, 100cc की बाइक लेके हमारे आगे चल रहे हैं. और ये केरला से लद्दाख की राइड कर रहे हैं, जो कि आसान नहीं होने वाला है. बट केरला से लेके यहाँ तक भी आना, इट्स नॉट अ ईजी टास्क ऑन 100cc बाइक. बट राहुलन के पास बहुत ही हिम्मत है, जज्बा है बाइकिंग का. तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी बाइक चला रहे हैं, फ़र्क उससे पड़ता है कि उस बाइक को कौन चला रहा है, उसके अंदर कितना जज्बा है बाइक राइड को लेके, डिपेंड करता है उस पर. पूरा मजा है, पूरा बहुत मजा है. लुक व्हाट इज दिस, या इट्स राहुल मीट समवन फ्रॉम देयर सिटी, सो ही इज जस्ट मीटिंग टू देम. दे आर डूइंग साइकिलिंग फ्रॉम केरला टू कश्मीर एंड इट्स द बिगेस्ट टास्क दैट दे आर डूइंग. Good job. Yeah, yeah, I saw their badge. They are doing very great things, nah. Fuck, we are not doing anything. They are actually doing the great thing. थोड़ी दूर चलने के बाद राहुलन को कुछ उनके गांव वाले दिखे, गांव वाले इन द सेंस कि उनके शहर से, और वो लोग साइकिल से केरला से कश्मीर कर रहे हैं. तो एक हमारे आर्मी के जवान थे, वो बहुत ही क्यूरियस थे उनको लेके, तो उनके बारे में बहुत देर तक हमारी बातें हुई. मैं सब चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज ऑफ कि कुछ ऐसे बातें हुई जो मतलब आर्मी वाले अंकल ने बोला कि आप इसको रिकॉर्ड मत करना, तो फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया और फिर हम निकल गए यहाँ से इनको बाय बाय बोल के आगे के लिए. कितना दूर है? सो टाइम 40, 100 किलोमीटर की जर्नी बची हुई है. और चाय के साथ एक और चीज़ मैं खा रहा हूँ फर्स्ट टाइम, इट्स कचौड़ी. आई डोंट नो हाउ इज द टेस्ट, टेस्ट कैसा है मुझे नहीं पता. लेट मी टेस्ट इट फर्स्ट. चाय के साथ अच्छा लगेगा. सो यहाँ से हार्डली इट विल टेक 2 आवर्स, यस मैक्स 2 आवर्स, वी विल रीच बिफोर 2 o'clock. तो हमने ऑलमोस्ट अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली है. यहाँ से बस 60 किलोमीटर है, बट यहाँ पे हमें रोका गया है क्योंकि सामने से दूसरे तरफ रोड के दूसरे तरफ हमारे आर्मी का कॉन्वॉय जाने वाला है. तो इसलिए जम्मू एंड कश्मीर में जब भी आप राइड करते हैं तो ऐसे आपको प्रॉब्लम्स, इसको प्रॉब्लम्स नहीं बोल सकते हैं, ऐसे गाड़ियों को रोक दिया जाता है फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़, ताकि साइड से हमारे आर्मी का कॉन्वॉय आसानी से जा सके. और ये पहले नहीं था, ये अभी जब ये अपना पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद ये चीज़ लागू कर दी गई, अप्लीकेबल कर दी गई. तो आप देख सकते हैं हमारे साइड में आर्मी वाले जवान हमारे गाड़ियों को रोक रहे हैं, उसके बाद दूसरे साइड से गाड़ियाँ जाएंगी. इसमें क्या होता है, अगर कोई इमरजेंसी है, अगर एम्बुलेंस है, तो उसको जाने का रास्ता दे दिया जाता है आफ्टर चेकिंग एंड ऑल, तो जो कि ठीक है. देखिए यहाँ पे कितना टाइम लगता है, फिर यहाँ से हम आगे निकलेंगे, मैक्सिमम 1 आवर्स में हम पहुँच जाएंगे. सो फाइनली श्रीनगर पहुँच चुका हूँ और अभी पहुँचा था यहाँ पे अराउंड 12:30 बजे के, 12:30 के आसपास पहुँचा था. और यहाँ पे एक ट्रैवलर्स के लिए एक प्रॉपर हॉस्टल है, बाइकर्स कैफ़े, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. If you are coming here, just check this out. And ऐसे हैं रूम्स, डॉर्म्स यहाँ के.
बहुत ही अच्छा बना हुआ है, इट्स वेरी नाइस। तो चलिए अभी आया हूँ, थोड़ा फ्रेश होऊंगा, मुंह धो लिया है और अभी सोच रहा हूँ नहा के फिर सो जाता हूँ फर्स्ट क्लास। फिर आपको कल से अपडेट दूंगा अबाउट श्रीनगर एंड ऑल। तो ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, बिकॉज मुझे ज़रूरत है, मेरे जर्नी को ज़रूरत है, मेरे बाइक को ज़रूरत है आपके सब्सक्राइब की। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।